नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का नए वीडियो में। चलिए आज मेरे गाड़ी का जो हैड्रा है उसका एयर पंप जो होता है वो ख़राब हो गया है, एयर नहीं बना पा रहा है। और इसको खोला हूँ तो ये देखिए इसमें का दांता ख़राब हो गया है, ये देखिए इसमें का और दांता ख़राब हो गया है। और जो पंप का दांता होता है वो भी टूटा हुआ है। चलिए दिखा रहे हैं आगे, ये देखिए दोस्तों यही जो सिलेंडर है एयर बनाने वाला उसी को अब इसको गियर निकालेंगे। ऊपर से नट जो होता है उसको खोल दिया हूँ हल्का, फिर उसके बाद बटाम से मारेंगे ताकि उसका ट्रेड ख़राब ना हो। ये देखिए दोनों तरफ से फंसा के फिर ऊपर से मारेंगे बटाम से। ये देखिए बटाम पर मारने से एक ही बार में आ गया, देखिए कैसे इसी तरीक़ा से निकल गया है जुगाड़ से, नहीं तो फिर देखिए कैसे निकल गया एकदम आसानी से। इसी में का गियर टूटा हुआ है, ये देखिए गियर टूटा हुआ है दो, देखिए वही टूट गया हुआ है इसीलिए यह नहीं बना रहा था। गियर बनाने वाला गियर खोल दिया हूँ और उसके अंदर भी एक गियर टूटा हुआ है, ये दुगो ठीक है। लेकिन पाइप बदला जाए दो चार गो जो होता है टाइमिंग वाला कवर होता है उसी को खोलना पड़ रहा है। पहले एयर ऊपर का बोनट खोल के फिर इसको रेड वाटर ये सब निकाल के पंप वम्प रेड वाटर वाला पंप होता है उसको भी निकाल दिया हूँ, ये देखिए। फिर उसके बाद आगे का टाइमिंग कवर को निकाल के फिर गियर निकालेंगे। चलिए दिखा रहे हैं आज, ये देखिए अब पेचकस से इसको मुंह फैला के फिर इसको टाइमिंग कवर को निकाल रहे हैं। ये देखिए कैसे इसी तरीका से आराम आराम से निकालना होगा, नहीं तो बहुत पतला ही हो रहा है इसीलिए, नहीं तो टूट भी सकता है ज़्यादा जोर लगाएंगे तो। आराम आराम से देखिए निकाल लिए, उसके बाद इसी में का गियर टूटा हुआ है, देखिए यही है और इसी में का गियर टूटा हुआ है जिसमें सब ठीक है। और दोस्तों इसमें चेक कर रहे हैं कौन कौन सा गियर टूटा हुआ है, देखिए पूरा चेक कर रहे हैं उंगली लगा लगा के, उसके बाद साफ करके फिर देखेंगे। ये निशान है, इसमें जो सेटिंग होता है निशान है वो मिला के फिर इसको गियर को खोलेंगे बाहर निकालेंगे। इसमें मार्क लगा रहता है, ये देखिए इसी तरीका से मार्क है इसमें लगा हुआ, उसको टाइमिंग मिलाना ही होगा, अगर नहीं मिलाएंगे फिर स्टार्ट नहीं होगा। और चलिए इसमें मार्क को मिला रहे हैं, इसमें जो मार्क लगा हुआ है उसी को मिला के फिर खोलेंगे गियर को। तो देखिए इसी तरीके से बहुत टाइम घुमाना पड़ रहा है, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता है तब इसमें का मार्क मिलता है। तो यहाँ एगो यहाँ दो गो दे है। ये तीन गो है, एगो दूगो तीन गो, ये दो दागे हो। हाँ ये दागे में ये वाला दागे दोस्तों। अच्छा हाँ ठीक है ना। हाँ इसके बाद ये वाला जो दागे है हाँ बीच में, हाँ हाँ ये वाला में घुसे है बीच में। अच्छा इसके अंदर में यहाँ पर है इसको बीच में। हाँ हाँ अच्छा ये दागी है इसके यहाँ पर है नीचे। और देखिए इसने पूरा मार्क मिला दिया है, उसके बाद इसको खोल लेंगे। यही गियर जो है टूटा हुआ है जो खोल रहे हैं उसी को टूटा हुआ है। चलिए खोल के फिर आगे दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ मिल गया हुआ है मार्क, यहाँ भी मिल गया है मार्क, ये देखिए इसी तरीक़ा से मिला के तभी खोलना चाहिए, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। ये देखिए
और दोस्तों ये देखिए पैकिंग नहीं मिला है, तो कार्डबोर्ड का पैकिंग बनाया हूँ अपने हाथों से। देखिए कैसे बना है, प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं। देखिए सही बना है कि नहीं, पूरा एक बराबर हमारे हिसाब से बना है। देखिए पूरा होल अच्छे से मिला दिया हूँ, अच्छे से कटिंग किया, तो इसका अब काम करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसका पैकिंग पूरा अच्छा तरीका से छुड़ा दिया हूँ। ये देखिए, ये देखिए पूरा अच्छे तरीका से इसका पैकिंग छुड़ा दिया हूँ, निकाल दिया हूँ। अब इसको चलिए फिट करेंगे। इसका देखिए यही गियर टूटा हुआ था, यही सब खराब हो गया, इसका टूट गया था। देखिए दोस्तों नया वाला है, यही नया लाया हूँ। एक ये है और एक ये है, ये दोनों टूट गया है, यही ये नया वाला लाया हूँ। चलिए इसको फिट कर रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब इसको फिट कर रहे हैं। और ये जो है जो निशाना दो ठो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको यहाँ और एक यहाँ मिलाना है। चलिए उसी को मिला रहे हैं। ये देखिए मिल गया, एक यहाँ और एक यहाँ मिल गया। और ये देखिए यहाँ पर भी मिला हुआ है और यहाँ पर भी मिला है, पूरा एक बराबर रहना चाहिए सब मिला हुआ। चलिए अब इसमें एक बोल्ट फिट करते हैं, लॉक जो है होता है। ये देखिए यही लॉक है, इसी को चलिए फिट कर रहे हैं। ये देखिए पूरा टाइट हो गया, इसको लॉक करेंगे। और दोस्तों देखिए लॉक कर दिया हूँ, देखिए तीनों में लॉक कर दिया हूँ मार मार के, यहाँ लॉक रहता है उसको कर दिया हूँ। अब ये जो सील है इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ जो है ये वाला सील, ये भी ख़राब है, ऑयल निकलता है मोबिल, फिर अच्छा ये वाला निकाल के वाला लगाएंगे। चलिए लगा रहे हैं फिर देखिए। ये देखिए दोस्तों यही सील है जो कि ख़राब हो गया था, इसी को निकाला हूँ और इसमें दूसरा सील लगेगा, यही निकाल के फिर दूसरा सील लगाएंगे। ये देखिए इसमें ऑयल लगा के फिर इसको सील नया लगा रहे हैं। देखिए इसमें जुगाड़ से फिर फिट अच्छा तरीका से करेंगे। धीरी सिंह ऐसे ही देखिए पूरा अच्छी तरीके से फिट हो गया है। देखिए पूरा फिट हो गया है, चलिए फिट करते हैं इसको। और दोस्तों देखिए बढ़िया से एनामेल लगा के इसको फिर पैकिंग डाल के फिर इसको फिर कर रहा हूँ। बढ़िया से एनामेल लगाना होगा, नहीं तो फिर से लीकेज करेगा, फिर मोबाइल वोबिल यही सब फिर गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं तो। इसीलिए बढ़िया से एनामेल लगा दिया हूँ और देखिए टाइट कर रहा हूँ। ऐसे टाइट करना है, चार बोल्ट नीचे एक, चारों बोल्ट टाइट करना है चारों तरफ से एक एक करके। ये देखिए, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, टेपर बैठेगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए चारों तरफ टाइट करेंगे अच्छा से देख देख कर, ताकि कुछ अच्छा से बैठ जाए देख देख के।
चलिए दोस्तों निकाल कर टाइट कर ले रहा हूँ। पानी तो सब वोल्टेज वाला टाइट हो गया है। अब इसका पंप पंप लगाएंगे, वाटर पंप है सब। और दोस्तों ये पुल्ली फिट कर लिया हूँ, उसके बाद वाटर पंप फिट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब यह है एयर बनाने वाला पिस्टन। इसका भी दांता टूट गया था, अब इसको दांता फिट कर रहे हैं। चलिए इसको फिट कर ले रहे हैं, फिर आप लोग को फुल टाइट कर रहे हैं, आप लोग को फिर फिट करते हुए दिखाएंगे। और जो कि लीकेज बंद करता है एंडा मोन लगा के, फिर इसको फिट करेंगे। एयर जो बनाता है उसी को फिट कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा सेट सेट हो गया है, पूरा रस परस ये सब पंप पंप। अब इसको फिट करके फिर हो जाएगा कंप्लीट।